में देखोगे उसमें स्क्रॉल नीचे करना, आपको पुरानी क्लास भी दिखाई देगी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी। उस ट्यूब को भी आप, उस वीडियो को भी आप फिर से देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिनको आता है वो थोड़ा फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या बता रहा है हमारे को? कोऑर्डिनेट्स बताता है पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन कहां पे है वो उस चीज की कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हमारे को। ठीक है। अब एक्चुअली देखा जाए, अगर हम जैसे आप लोग, पता नहीं आपने गूगल पे किया है या इवन मैप में, जब हम ग्लोब, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ के कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट, जैसे सपोज यहाँ पे ऐसे ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये पूरा सा एशिया है, ये मैं रफली बना रहा हूँ। मान लो ये हमारा इंडिया है, फिर इंडिया को भी हम एक्सपेंड जब करेंगे तो इंडिया के हमारे ऐसे करके ये शेप आ जाएगी। तो इंडिया में अलग अलग प्लेसेस होंगे, किसी भी प्लेस का उसका अगर हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये प्लेस की पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन, तो हम कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं अर्थ पे, ग्लोब पे? हमने अर्थ को कैसे डिवाइड किया है? लॉन्गिट्यूड्स, ये पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में हमने पढ़े थे ऐसे, लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये बीच में इक्वेटर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइट्स, इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अभी तो हम ये दूर दूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारे बिल्कुल पास 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 हो सकते हैं। तो कोई भी लोकेशन, कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता सकता हूँ कि ये इक्वेटर, इक्वेटर को मान लो 0 डिग्री मानते हैं, कि ये इक्वेटर से कितना ऊपर है, और अगर कोई एक लॉन्गिट्यूड, जैसे 0 डिग्री हमने लॉन्गिट्यूड भी मान लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे होता है, बता सकता है कोई? शाबाश, बताओ। देखो मैं कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, the Arctic Circle and the Antarctic Circle, which helps to define different climate zones of the world based on the amount of sunlight these are important, a region received. These are important latitudes. तो ये जो इसने horizontal lines दिखाए, these are all latitudes, अलग अलग, इनके नाम भी हो सकते हैं या normally हम degree से दिखाते हैं, और इसी तरीके से longitude भी होता है, वो हमारे को जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, सपोज ये है। अब ये देखो, ये हमारा मान लो ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फिर ये 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, और ये लैटिट्यूड है। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन है जहां पे मिलेंगे वो हमारे को पोजीशन बताएगा किसी भी चीज का। ये तो हो गया ग्लोब पे। लेकिन हम टू डायमेंशनल फिगर करते हैं, हम एक प्लेन सरफेस पे, जैसे ये मेरा पेज है, ये मेरा एक पेज है, ठीक है, इसमें टू डायमेंशंस है क्योंकि फ्लैट सरफेस है। टू डायमेंशंस क्या है? एक मेरा इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में।
इस हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब मैंने अगर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है, एक पॉइंट मैंने यहां ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट का पोजीशन, इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लो ए है, तो मैं कह सकता हूं जो ये पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पोजीशन क्या होगा इसका, मुझे सबसे पहले एक्स पोजीशन बताना है। एक्स जो इसका एक्स, एक्स का क्या मतलब हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि इस एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जीरो से जहां पे इंटरसेक्शन है इसको हम जीरो मानते हैं, तो ये जीरो से एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो जीरो से ये कहां पे होगा एक्स डायरेक्शन में, कि मैं यहां ये जो है वाई से शुरू करूं, वाई एक्सिस से एक्स एक्स की डायरेक्शन में अगर चलूं, तो मेरे को इस पोजीशन, इस पॉइंट एक्स का, सॉरी पॉइंट ए का जो ये डिस्टेंस है, सपोज ये मैं इसके अगर मैं नंबरिंग करता हूं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये किस डायरेक्शन में मैंने लिखा है, ऑन एक्स एक्सिस। सो मैं कह सकता हूं पॉइंट ए जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली दैट विल बी फ्रॉम द वाई डायरेक्शन। जीरो से, जीरो कहां पे है, जो मेरा वाई एक्सिस है उसका जीरो, उसका एक्स जीरो है, तो यहां से मैंने चला यहां तक, तो ए का मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। और इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन पे भी नंबरिंग करूं, जैसे ये रखूं 1, 2, मान लो इक्वल सेंट, अगर यहां पे यूनिट मैंने सेंटीमीटर रखा है, यहां पे भी सेंटीमीटर ही रखना है सेम, सो मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, वाई कितना है, तो मुझे यहां से वाई डायरेक्शन में जाना है, यानी कि मैं डायरेक्टली वाई एक्सिस पे देखूं ये कहां पे टच कर रहा है, ये 3 से थोड़ा कम है और 2 से ज्यादा है, तो मान लो ये 2.8 है, तो मेरा ये जो पॉइंट ए था, इस पॉइंट ए के मेरे को ये जो पोजीशंस मिल गए, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। तो जो 3 है, दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2.8। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, ये तो बड़ा सिंपल है, बेसिक चीज है, इज इट क्लियर। यस सो अब इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हम, जैसे नंबर लाइन में था, जब हम जीरो से राइट को जाते थे ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानते थे, जीरो से लेफ्ट की ओर जाएं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसी तरह जीरो से हम ऊपर जाएं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जीरो से नीचे जाएं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि जो भी पॉइंट यहां पे होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, उसमें नेगेटिव कौन होगा पॉजिटिव कौन सा होगा, सर, नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई। ये यहां पे है, दैट मींस इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो यहां से लेफ्ट की डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स तो नेगेटिव होगा, फिर वाई कॉमा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो नीचे से ऊपर है, वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो अब हम इसके थोड़े सी एक्सरसाइज करते हैं, मैं वापस आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज से ही थोड़े से मिल जाएंगे हम, यहाँ पे हम देखते हैं वर्कशीट।
ये जो है इनकी नंबरिंग नंबरिंग ठीक करता हूं मैं। आपके गूगल क्लासरूम में 16 जो टॉपिक नंबर है 16 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इनको हम 16 जैसे हमने यहाँ लिखा था, हम कोई 16 ऐसे करेंगे। और ये आपका चैप्टर 3 है, तो इसका 16 तो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। उसकी नंबरिंग बाद में ठीक करूंगा मैं, फिलहाल आप ये वाला हम करते हैं कौन सा, चलो ये वर्कशीट करते हैं, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर ईच पॉइंट ऑन दिस ग्राफ आइडेंटिफाई इट्स कोऑर्डिनेट एंड राइट देम इन स्पेसेस प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन 1-3 बिलो। अब देखो हमारे एक्सिस पहले देखते हैं, अब ये दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका पोजिशनिंग कोऑर्डिनेट, हमेशा पोजिशन जो होता है, सपोज जो भी कोई किसी भी चीज का पोजिशन जो होगा वो विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स होगा, विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब होता है, जिसको हम WRT भी बोलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू मतलब है कि उस किसी चीज के तुलना में, किसी को जब हम कंपेयर करें, अगर मैं बोलूंगा भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं बोलता हूं मैं 10 फुट या 10 फीट दूर खड़ा हूं, लेकिन किससे दूर खड़ा हूं, तो मेरे को विद रेस्पेक्ट टू कुछ और होगा। सपोज मेरे यहां पे एक फ्लैग है, फिर मैं कह सकता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्लैग, यानी कि फ्लैग से जब मैं कंपेयर करता हूं तब मैं 10 फुट ऊपर हूं या नॉर्थ हूं। जब हम मैप में ऊपर दिखाते हैं तो नॉर्थ बोलते हैं आमतौर पर, तो मैं कह सकता हूं आई एम स्टैंडिंग 10 फीट North of something of the flag। तो ये जो किसी किसी जगह कोई with respect to some position, मेरी with respect to some reference point, जब मैं compare करता हूं किसी चीज से तब मेरे की मेरी position मिलती है। अगर मैं सिर्फ बोलूंगा मैं 10 फुट दूर खड़ा हूं, लेकिन किससे दूर खड़ा हूं वो मुझे बताना पड़ेगा। इसी तरह जहां से जिस जो रेफरेंस है, जहां से मैं, जैसे अभी मैंने फ्लैग बनाया, हमारे पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेफरेंस ये दो लाइनें हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इससे जितनी दूरी है किसी भी पॉइंट की, मान लो ये पॉइंट एक्स की है, वो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे पॉइंट, अब देखो इस ग्राफ में देखो, इसको ग्राफ भी बोलते हैं। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जब हम लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वाई एक्सिस से दूरी होगा, यहां आपको नीचे दिखाई देगा 5। So, इसका x कोऑर्डिनेट इज 5, कॉमा y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से होगा, यानी कि यहां से ये कितना ऊपर है, 3। तो आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसके साथ में ही ब्रैकेट में लिख सकते हो 5, 3। अब पॉइंट b का बताओ सर, 0.1। 0.1 कैसे हो गया, बी तो ये है पॉइंट, ये है बी, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, ये तो सेंटर पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई भी 0 है। अब पॉइंट डी के बताओ क्या हुआ, जल्दी से
सर नेगेटिव 10 4। नेगेटिव 10, 4 पॉजिटिव 4, क्योंकि ये यहाँ पे है तो ये नेगेटिव 10 है। यहाँ से अगर आप इसकी डिस्टेंस देखोगे वो नीचे से कंपेयर हो जाएगी, नीचे तो हमारा एक्सम से रेफरेंस है, ये नेगेटिव 10 हो गया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और वाई जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, जब हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज 4, वो आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हो या डायरेक्टली उसके मेन एक्सिस पे देख सकते हो। एक्स एक्सिस तो आप एक्स एक्सिस पे देख लो नेगेटिव 10, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस पे देखो 4, तो आप लिख सकते हो नेगेटिव 10, 4। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो हर एक के कोऑर्डिनेट्स लिखने। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, प्लॉट ईच कोऑर्डिनेट इन प्रॉब्लम थ्रू लेबल द पॉइंट ए थ्रू जे एज इंडिकेटेड। अब आपके पास ऊपर क्वेश्चन में क्या था, आपके पास पॉइंट्स लिखे थे और आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जैसे आपको इसके नीचे लिखे फॉर एग्जांपल पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8, -7। तो हम कहां पे इसको ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी को, अब पहले एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है 8, सो एक्स और पॉजिटिव 8 है तो पॉजिटिव एक्स सारे पॉजिटिव कहाँ होंगे, या तो यहां से राइट में होंगे, यहां से भी राइट में हो सकता है। फिर देखना है वाई, वाई क्या था इसका, वो मिटा दिया मैंने, वाई क्या था, -7, 8, -7। सो 8 तो पॉजिटिव है, यानी कि ये सारे या तो इस पूरे इस सेक्शन में होगा, ये सारा पॉजिटिव x है और ये भी पॉजिटिव x है, लेकिन -7 है तो y कहाँ पे होगा, फिर y नीचे होगा, यानी कि ये इस खाने में ही मिलेगा, इस क्वाड हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट्स एक चीज को जब हम चार हिस्से में डिवाइड करते हैं, क्वाड हमने पढ़ा था ना क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड मींस 4 और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है उसके चार हिस्से। तो जब इस पूरे ग्राफ को हम इस पूरे स्क्वायर को चार हिस्से में किए तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट हो गया, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, एक क्वाड्रेंट ये, चार उसके हिस्से हैं। So, 8, -7, 8 हमारा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे पहले देखो, एक्स एक्सिस पे ये, यानी कि जो ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी, इस लाइन पे अगर आप ध्यान से सोचो, इस लाइन पे कोई जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबों का एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 है, क्योंकि ये यहां से 8 की दूरी पे है, ये सारे पॉइंट्स इन सबों का एक्स 8 है, लेकिन वाई अलग अलग है। अब वाई हमारे को नेगेटिव में चाहिए तो ऑब्वियसली वो इसके नीचे होगा, तो यहां इस लाइन पे -7 कहां पे है, ये, तो दैट मींस ये जो पॉइंट है दिस इज अवर पॉइंट डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8, -7। सो ऐसे आपने ये प्रैक्टिस करनी है ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स की खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट भी बोल रहा है, इन द बॉक्स प्रोवाइडेड लेबल द 4 क्वाड्रेंट्स एंड 2 एक्सिस ऑन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सारा का सारा जो है ये प्लेन है, प्लेन सरफेस है,
और इसमें फोर क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट वन। अब जैसे क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर, पॉइंट ए जो है उसका क्वाड्रेंट लिखना है अगर, और यहां पे एक्सिस लग, पॉइंट बी का क्वाड्रेंट, पॉइंट बी का क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट तो है नहीं, ये तो एक्सिस के ऊपर ही है। सो जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर होगा वो तो, अब जैसे पॉइंट बी है, इसका क्वाड्रेंट क्या है, ये तो एक्स एक्सिस पे है, लेकिन पॉइंट ए जो है वो क्वाड्रेंट टू में है, ठीक है? यस सर। क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट्स जब हम लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, वन 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 सबसे जो दोनों पॉजिटिव होगा, ऐसे शुरू, देखो कैसे शुरू करेंगे, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबों के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्स है पॉजिटिव वाई, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट वन, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट टू, इसमें एक्स पॉजिटिव है, सॉरी ये इसमें वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। फिर क्वाड्रेंट थ्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है ऐसे, क्वाड्रेंट वन टू थ्री फोर। फिर थ्री में क्या है, एक्स नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो आपको ये जितने भी नीचे क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, इनके आपको क्वाड्रेंट्स लिखने हैं, और जो एक्सिस पे होंगे उनका एक्सिस लिखना है, तो ये भी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है? फिर उनके हमें जो अभी हमने सीखा उनके हमें हमें प्लॉट करना है इंटरसेक्शन को। तो बेसिकली जैसे मान लो ये है नेगेटिव थ्री नेगेटिव फाइव, तो अब नेगेटिव थ्री आपका एक्स है, तो नेगेटिव थ्री एक्स कहां पे होगा, जो ये लाइन है बेसिकली जिस एक्स एक्सिस पे जो नेगेटिव थ्री है वो कहां पे है, वो हमारा ये है। इसका मतलब है इस ये जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है इसमें हमारे सारे पॉइंट्स सारों का एक्स जो है वो नेगेटिव थ्री होगा, तो ये नेगेटिव थ्री, और साथ में हमने दिखाना है नेगेटिव फाइव। अब ये वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव फाइव, तो वाई का नेगेटिव फाइव कहाँ है, ये। तो ये दो हमें दो लाइंस को प्लॉट करना है, ठीक है? नेगेटिव थ्री की लाइन, नेगेटिव थ्री मीन्स एक्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल हैव एक्स एज नेगेटिव थ्री, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल हैव वाई एज नेगेटिव फाइव। इसमें नेगेटिव एक्स तो चेंज होते जाएगा, एक्स तो यहां सबों पॉइंट का अलग अलग है, लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव फाइव है, और इस पॉइंट में हमारा वाई जो है वो नेगेटिव थ्री है, सॉरी एक्स जो है नेगेटिव थ्री है, वाई हमारा चेंज होते जाएगा, तो हम वाई लिख सकते हैं, क्योंकि वाई और एक्स तो वेरिएबल है विच वेरीज। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये पेजेस पे आप सभी एक्सरसाइजेस को, बस यही थी, ये कितने पेज होंगे, फोर पेजेस हैं, इन फोर पेजेस की एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करो, उससे आपको कोऑर्डिनेट्स एकदम समझ में आएंगे पहले तो।
ओके सर। ठीक है, तो हम इसमें ये जो आपका गूगल क्लासरूम है ये वाला, इसको क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, चैप्टर 3 के नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका हम नंबर चेंज कर देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाई देगा ये, क्योंकि टॉपिक का नंबर हमने 16 रखा है, तो अभी देखो ये फिर से जिसने जो नया स्टूडेंट है उसको दिखाता हूँ, टॉपिक नंबर 1 नंबर सिस्टम, तो इसी के नीचे हमने चैप्टर 1 लिख दिया, फिर टॉपिक नंबर 2 इसके अभी हमने किया नहीं, मैथ ऑपरेशंस, फिर ज्योमेट्री, डेटा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें कई सारे हमने छोटी क्लासेस में किए हुए हैं 6th, 7th, 8th में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एक्सपोनेंट्स, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, चैप्टर 2 हमारा एलजेब्रा के अंडर आता है, ये हमने किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने नंबर 16 रखा है, 16 का कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है इसलिए हम इसको, और आज हमने ये वर्कशीट किया तो इसका नंबर मैं रखता हूँ 1603, इसको एडिट करके चेंज कर देता हूँ 1603। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स की वर्कशीट है, वर्कशीट, तो इसकी आपने ये जो लिंक, फर्स्ट लिंक जो है ये हमने अभी देखा, ये क्वेश्चंस हैं, सेकंड जो ये है ये इसके आंसर्स हैं, तो आप पहले ही आंसर नहीं देखना, पहले सिर्फ ये वाली वर्कशीट करना, फिर उसके बाद जब आपने कर लिया उसको आप अपनी आंसर शीट जो आपने काम किया उसको इस लिंक के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, करोगे ना, अब आपको ये 1603 दिखाई देगी, ये इंटरेस्टिंग होगा, उसके बाद फिर हम ये बुक का जो चैप्टर है ये 1601 एनसीईआरटी का, ये हम एक एक करके पढ़ सकते हैं, इसको भी आप पढ़ भी सकते हो, वैसे आपके बुक में भी होगा, अगर बाय चांस किसी के पास बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली ये खोल सकते हो, तो इसमें यही चीजें बताई जा रही है कि पोजीशन, ये हम चैप्टर वाइज इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो जैसे ये हमने देखा okay, अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स देखे हमने, तो अभी मैं अभी इसको कर, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।